WPL के एलिमिनेट मुकाबले में एक समय सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला आरसीबी और मुंबई के बीच। आखिर में आरसीबी ने बाजी मारी। चलिए हम आपको पूरा वाक्य बताते हैं। जिस तरह से आरसीबी की टीम पहले खेलते हुए नजर आई, जिसमें पैरी ने क्या शानदार अंदाज में 66 रनों की पारी खेली, लेकिन वहीं हैरान करने वाला वाक्य देखने को मिला। इस्माइल की बॉल पर डिवाइन बोल्ड हो गई, लेकिन स्टंप से बेल्स नहीं गिरी, जिस पर हरमनप्रीत कौर हैरान देखी और इस तरह से आरसीबी की टीम 135 रन बना पाई। इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस टीम चेस करने के लिए आई तो शुरुआत काफी ज्यादा हल्की रही। हरमनप्रीत ने क्या शानदार अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। एक समय में ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी, जब हरमनप्रीत बल्लेबाजी कर रही थी। 18 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही वह कैच आउट हुई, उसके बाद खेल पूरी तरीके से बदल गया।